तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का एडवेंचर वेरिएंट। गाड़ी का आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट फ्रंट से लुक। फ्रंट में आप लोगों को ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलती है, क्रोम इंसर्ट्स के साथ टाटा का लोगो मिलता है क्रोम हाईलाइट में, और यह इसकी कनेक्टिंग एलईडी डीआरएल विथ टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड। नीचे की तरफ काफी पावरफुल एलईडी हेडलाइट मिलती है विथ एलईडी फॉग लाइट। फ्रंट बंपर के लोअर पार्ट में मिलता है प्रॉपर एयर कर्टन बेहतर एरोडायनेमिक्स के लिए। आगे पीछे बम्पर में स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर फिनिश में बम्पर के लोअर पार्ट में बेहतर लुक्स के लिए गाड़ी के अंदर। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएंट की टाटा हैरियर के एडवेंचर वेरिएंट की, तो ये आप लोगों को ऑन रोड रायपुर में पड़ जाएगा 23,49,000 रुपीज का। हर सिटी का प्राइस यहां पर ऊपर नीचे हो सकता है। और ये गाड़ी का है कंप्लीट साइड से लुक। 4.6 मीटर की लेंथ मिलती है और 1.7 मीटर की हाइट मिलती है गाड़ी के अंदर। बाकी बोनट में डिजाइन मिल जाता है बेहतर एरोडायनेमिक्स के लिए। एंड यह है गाड़ी के वाइपर एंड वॉशर। आउटसाइड ओआरवीएम्स इंटरनल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल फंक्शन के साथ आते हैं विद टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड। और ये ड्यूल टोन फिनिश में 17 इंच के अलॉय व्हील। आगे डिस्क एंड पीछे ड्रम ब्रेक मिलेंगे। बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है। फ्रंट के दोनों ही डोर्स में हैरियर की बैजिंग। ऊपर की तरफ रूफ में डिजाइन मिलता है। शार्क फिन एंटीना एंड इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिल जाते हैं। रियर विंडशील्ड में रियर वाइपर डिफॉगर एंड वॉशर मिलता है विद इंटीग्रेटेड स्पॉइलर एंड एलईडी हाई माउंट स्टॉप लैंप। साथ ही साथ दोस्तों 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है टाटा हैरियर यहां पर। आगे इंडिपेंडेंट लोअर विजबोन सस्पेंशन मिलते हैं विद कॉयल स्प्रिंग एंड मैक पर्सन स्टड। बाकी पीछे आप लोगों को सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाते हैं विद कॉयल स्प्रिंग। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, फ्रंट एंड साइड इंपैक्ट बीम, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, ये सारे आप लोगों को फीचर मिल जाते हैं कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ। ब्रेक ओवर मिटिगेशन का फीचर मिल जाता है। कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप मिलती है यहां पर गाड़ी के अंदर काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ। टाटा का लोगो मिल जाता है सेंटर में। नीचे की तरफ स्पेयर व्हील मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है सेंसर्स के साथ इस वेरिएंट के अंदर। और चलिए दोस्तों अब मैं गाड़ी का बूट आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूं। ट्रंक के सेंटर में हैरियर की बैजिंग मिलती है। रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है तो बूट आप लोग वहीं से अनलॉक कर सकते हैं। और यहां पर आप लोगों को बेस्ट इन सेगमेंट 445 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है टाटा हैरियर। बूट में आप लोगों को सबवूफर मिल जाता है, स्पीकर और ये पार्सल ट्रे जिसको कि आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यहां पर बूट में हुक्स देखने को मिल जाते हैं जहां पर अपना लगेज वगैरह टांग सके आप लोग। बूट में लैंप मिल जाती है। साथ ही साथ यहां नीचे थोड़ी स्पेस दी गई है टूल किट वगैरह रखने के लिए। बाकी स्पेयर व्हील जैसे कि मैंने बताया गाड़ी में नीचे की तरफ ही देखने को मिलता है यहां पर। और मैन्युअली आप लोग गाड़ी के बूट को क्लोज कर सकते हैं। और यह है गाड़ी का कंप्लीट साइड से लुक। व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, इसके अलावा ग्रे, ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लैक कलर का भी ऑप्शन आता है। और यहां से कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं फ्यूल लिड। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर करती है टाटा हैरियर। एंड आइए दोस्तों अब गाड़ी के पीछे के पैसेंजर साइड गेट का लोग ओपन करके देखते हैं टाटा हैरियर के एडवेंचर वेरिएंट का। तो डोर की ओपनिंग आप लोग देख सकते हैं यहां पर काफी वाइड ओपन होते हैं, तो गाड़ी में अंदर जाने में बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं होती। काफी इजिली कोई भी पर्सन इन एंड आउट कर सकता है। टैन एंड ब्लैक फिनिश मिल जाती है कंप्लीट इंटीरियर से मैचिंग डोर्स में भी। यहां पर मैन्युअली आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं सनब्लाइंड को जो कि पीछे के डोर्स में दिए गए कंपनी की तरफ से टाटा हैरियर में। सॉफ्ट टच दिया गया है, पावर विंडो की कंट्रोल, बॉटल होल्डर डोर में और ऐसे कुछ दिखती है गाड़ी की रियर की सीट्स। काफी बेहतरीन कंफर्ट ऑफर करती है गाड़ी की रियर सीट्स भी। चारों डोर में आप लोगों को लोअर पार्ट में ये मिल जाती है रिफ्लेक्टिंग लैंप बेहतर सेफ्टी के लिए नाइट में, जो कि देखने में भी काफी अच्छी लगती है जब गाड़ी का डोर ओपन होता है तो। और आइए अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूं। प्रॉपर थर्ड के साथ गाड़ी के डोर क्लोज होते हैं। लेग रूम आप लोग देख सकते हैं। तीन एडल्ट पीछे की सीट में काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। दो हाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं बेहतर सेफ्टी के लिए। सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स। ऊपर की तरफ मिल जाती है यहां पर रीडिंग लाइट वाइट एल्यूमिनेशन के साथ गाड़ी के अंदर। बाकी सनरूफ इस वेरियंट में नहीं मिलेगा, वो आप लोगों को मिलेगा एडवेंचर प्लस वेरियंट में। और ये कंप्लीट फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है पीछे की सीट से। और इस वेरिएंट का कलर कॉम्बिनेशन मुझे इसके टॉप वेरिएंट से भी ज्यादा अच्छा लगता है यहां पर, जो पर्टिकुलर एडवेंचर वेरिएंट में टाटा ने यूज किया यहां पर हैरियर के अंदर। इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन
काफी बिग साइज ग्लासेस मिलते हैं ऊपर की तरफ, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, पिलर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, दोनों ही सीट्स के पीछे पॉकेट्स, नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं यूएसबी टाइप, यहां से आप लोग अपने सेलफोन वगैरह चार्ज कर सके। हाइट एडजस्टमेंट के साथ फ्रंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं। और चलिए दोस्तों हम गाड़ी के ड्राइवर सीट गेट का लोग ओपन करके देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ ऑफर करती है टाटा हैरियर। एंड प्रॉपर थर्ड के साथ गाड़ी के डोर क्लोज होते हैं, बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन ऑफर करती है सेगमेंट में, कीलेस गो का फीचर मिल जाता है यहां पर ड्राइवर साइड डोर में। और ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट का लुक, यहां पर भी टेन एंड ब्लैक ड्यूल टोन फिनिश मिल जाती है डोर में, सॉफ्टेस्ट मटेरियल का यूज किया गया है डोर के अंदर, पावर विंडो की कंट्रोल, विंडो अनलॉक लॉक कर सकते हैं वहीं से डोर हैंडल, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, स्पीकर एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट दी गई है डोर के अंदर। एंड यहां से इस नॉब की मदद से आप लोग आउटसाइड ओआरवीएम्स को फोल्ड अनफोल्ड या एडजस्ट कर सकते हैं। और ये कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक है। और ऐसे कुछ दिखती है गाड़ी की फ्रंट की सीट, काफी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती है यहां पर, ड्राइवर साइड सीट विथ हाइट एडजस्टमेंट, मैनुअली आप लोग हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं यहां पर ड्राइवर साइड सीट की। ये गाड़ी के पेडल्स काफी अच्छी स्पेसिंग के साथ। और चलिए अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूं और डोर को क्लोज कर लेता हूं। यहां पर राइट साइड में मिल जाता है दोस्तों इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, एंड ऐसा कुछ दिखता है इसका कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट वेलकम करता है आप लोगों को, जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे कंप्लीट स्वाइप होता है, डिजिटल स्पीड सारी चीजें आप लोगों को बता देगा ये डिजिटली, नेविगेशन साथ ही साथ इंफोटेनमेंट से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर ये शो कर देगा, जैसे कि मैप्स वगैरह भी, आप लोग अपनी गाड़ी कौन से मोड में चल रही है, रियल टाइम एवरेज क्या आ रहा है गाड़ी का, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीजें निकाल के आप लोगों को उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इस लीवर आप लोग यहां पर इस नॉब की मदद से आउटसाइड ओआरवीएम्स को फोल्ड अनफोल्ड या एडजस्ट कर सकते हैं, एंड काफी स्मूथली ऑपरेट होती है सारी चीज। बाकी प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह भी काफी अच्छी यूज करी है टाटा ने अगर ओल्ड हैरियर से कंपेयर करें तो। एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है डैशबोर्ड में, और यह है टाटा का नया डिजिटल लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील जो कि आप लोगों को इस वेरिएंट के अंदर मिल जाता है, विथ क्रूज कंट्रोल एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ब्लूटूथ एंड फोन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेदर अप स्टीयरिंग व्हील यहां पर दिया गया है गाड़ी के अंदर काफी अच्छी ग्रिपिंग के साथ। और चलिए अब मैं गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील का आप लोगों को फंक्शन बता देता हूं। यहां पर तो स्टीयरिंग व्हील बेसिकली टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फंक्शन के साथ आएगा यहां पर, जो कि काफी अच्छी चीज लगी, कोई भी ड्राइवर अपने हिसाब से कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकता है। एंड ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक है। बाकी दूसरी चीज आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो विजिबिलिटी है गाड़ी की वो काफी बेहतरीन मिलती है, बोनट प्रॉपर दिखाई देता है उसके एजेस तक, प्रॉपर एक लग्जरी एसयूवी का फील आता है यहां पर गाड़ी में अंदर बैठने के बाद, मतलब इस सेगमेंट से भी अपर सेगमेंट का फील आप लोगों को करा देती है टाटा हैरियर। और ये है इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करेगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का हार्डवेयर, ब्लूटूथ, मिरर लिंक, यूएसबी एंड एफएम रेडियो, और कई सारे कनेक्टेड एप्स मिल जाते हैं आप लोगों को कनेक्टेड कार फीचर वाले, जैसे कि अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सेलफोन में ही मिल जाएगी वहां पर। और बाकी इसकी स्मूथनेस आप लोग देख सकते हैं काफी स्मूथली वर्क करता है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, कंप्लीट ऑल न्यू अपडेटेड सिस्टम है। एंड स्पीकर्स की आप लोगों को क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है इस वेरिएंट के अंदर भी, एसी की कंट्रोल भी आप लोग इंफोटेनमेंट से ही कंट्रोल कर सकते हैं वहां पर। एंड नीचे आप लोग यहां पर एसी का देख सकते हैं, एसी की जो यूनिट है कंप्लीट गाड़ी के अंदर यहां पर ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, काफी अच्छे तरीके से गाड़ी का जो एसी है वो कूल कर देता है केबिन को, नीचे की तरफ यूएसबी टाइप आप लोगों को पोर्ट्स मिल जाते हैं। बाकी यहां से आप लोग अपने वेट एंड रफ मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ये मोड सेलेक्ट करेंगे आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग वहां पर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, राइट साइड में हेडलाइट के, स्पोर्ट एंड इको मोड मिल जाता है, और ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है गाड़ी के अंदर, काफी स्मूथली ये गियर वर्क करता है यहां पर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी। और ये एयरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड हैंडब्रेक मिल जाता है, दो कप होल्डर, सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है आप लोगों को कंप्लीट लेदर रैप, आर्मरेस्ट के अंदर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, एंड आप लोगों को साथ ही साथ कूलिंग फंक्शन दिया गया है यहां पर आर्मरेस्ट के अंदर जो कि काफी अच्छी चीज है। और जैसा कि मैंने बताया कि सनरूफ आप लोगों को नहीं मिलेगा यहां पर एडवेंचर वेरिएंट के अंदर, वो एडवेंचर प्लस में अवेलेबल है। ये फ्रंट पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लाइट, दोनों ही तरफ सनशेड मिल जाते हैं, सनशेड में किसी भी तरह का वैनिटी मिरर नहीं मिलता दोनों ही तरफ, और ये
रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया जा सकता है डे और नाइट के हिसाब से मैनुअली। एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है डैशबोर्ड में कंप्लीट ड्यूल टोन फिनिश में। बिग साइज ग्लव बॉक्स मिल जाता है ड्यूल कंपार्टमेंट में लाइट के साथ गाड़ी के अंदर। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें स्टोर किए जा सकते हैं ग्लव बॉक्स में। एक काफी प्रैक्टिकल पावरफुल एसयूवी है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा हैरियर। और चलिए यहां से मैं गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर लेता हूं और दिखाता हूं आप लोगों को गाड़ी का बोनट ओपन करके गाड़ी का इंजन। तो यहां से दोस्तों ओपन हो जाता है गाड़ी का बोनट एंड प्रॉपर थर्ड के साथ जो गाड़ी के डोर है वो कंप्लीट क्लोज होते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार और बेहतरीन ऑफर करती है टाटा हैरियर यहां पर इस सेगमेंट के अंदर। तो दोस्तों यह है टाटा की तरफ से आने वाला 2000 सीसी का इनलाइन फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन 170 bhp आप लोगों को हॉर्स पावर निकाल के देगा ये। साथ ही साथ 350 Nm ऑफ टॉर्क 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। कंप्लीट BS6 फेस 2 कंप्लाइंट इंजन है ये फिएट सोर्स टाटा की तरफ से। ऊपर बोनट में पैडिंग मिलती है इससे केबिन में साउंड कम जाए। तो चलिए दोस्तों मैं गाड़ी का बोनट यहां पर क्लोज कर लेता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा टाटा हैरियर का ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सके। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो लिखिए रजत श्रीवास्तव 1310। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।